गर्मियों के मौसम में तेज़ गर्म हवा और धूप इंसानी जिल्द के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं और ख़ास तौर पर चिकनी जिल्द वाली ख़वातीन तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। चिकनी जिल्द वाली ख़वातीन की जिल्द में चिकनाई वाले मसाम होते हैं जो ख़ास तौर पर नाक और पेशानी पर ये मसाम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब धूप पड़ती है तो मसाम खुल जाते हैं और इनसे चिकनाई चेहरे पर आ जाती है जो ना सिर्फ देखने में बहुत बुरी लगती है बल्कि इससे जिल्द की रंगत भी स्याह पड़ना शुरू हो जाती है। चिकनी जिल्द वाली ख़वातीन को गर्मियों के मौसम में अपनी जिल्द का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस मकसद के लिए उनको चाहिए कि वह दिन में 4 से 5 दफ़ा किसी भी अच्छे फेस वाश से चेहरे को धो लें। अगर आप चिकनी जिल्द वाली स्किन के लिए किसी अच्छे फेस वाश के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मुख्तलिफ किस्म के फेस वाश के बारे में तफसील के साथ मैंने रिव्यू किया हुआ है। अगर आप जानना चाहें तो उसमें से किसी भी अच्छे फेस वाश के बारे में देख के आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि फेस वाश से ही क्यों जो है चेहरे को वाश करना चाहिए, सोप या साबुन से क्यों चेहरे को वाश नहीं करना चाहिए। साबुन की बजाय फेस वाश से चेहरे धोने से इसलिए ज़रूरी है कि साबुन चेहरे में जिल्द की तरोताज़गी के लिए मौजूद ज़रूरी चिकनाई को भी ख़त्म कर देता है, यानी कि चिकनाई एक ख़ास हद तक चेहरे के ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो चेहरा ज़्यादा खुश्क हो जाएगा जिससे स्किन की शाइन और ताज़गी जो है वो मांद पड़ना शुरू हो जाती है। जबकि फेस वाश से चेहरे को धोया जाए तो वो जो है एक ख़ास हद तक ही चेहरे के ऊपर से जो है चिकनाई ख़त्म करता है और जितनी चेहरे के ऊपर ज़रूरत होती है वो ऊपर रह जाती है। वो ख़ास तौर पर मसाम के अंदर से ही सफाई करता है, तहम ये मसामों की सफाई करता है जिससे जिल्द की तरोताज़गी बरकरार रहती है और इसकी सफाई भी हो जाती है। चिकनी जिल्द वाली ख़वातीन जिस कदर मुमकिन हो गर्मियों में मेकअप से परहेज़ करें। अगर मेकअप करना ज़रूरी हो तो चेहरे पर 5 मिनट तक बर्फ़ से टकोर करें जाए ताकि इसके तमाम मसाम बंद हो जाए और इसके बाद आप चेहरे पर कोई भी मेकअप जो है अप्लाई कर सकते हैं जिससे मेकअप भी अच्छी तरह से जो है लग जाएगा और चेहरे के मसाम भी जो है वो बंद हो जाएंगे और आपका मेकअप जो है ज़्यादा देर तक जो है ऊपर टिका रहेगा। धूप, नाकद खुराक और ख़राब सेहत चेहरे की जिल्द को मुतासर करने का सबसे अहम सबब है। इंसानी जिल्द हैरत अंगेज हफारती रद्दअमल रखती है। जिल्द की गहराई अंदरूनी तह में खलियाँ मुलायम पैदा करते हैं। जब हम धूप में आते हैं तो मुलायम पैदावार में इजाफा हो जाता है। ये अमल एक दफ़ा जब शुरू हो जाता है तो जिल्द की बैरूनी तह में आ जाता है और इससे जिल्द पर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जिल्द को धूप से बचाना चाहिए और ऐसी मसनूआत का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिल्द को धूप के असरात से महफूज रख सकती हों। इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के सन ब्लॉक क्रीमों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें कुछ जो हैं मियारी होते हैं और उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और कुछ जो हैं गैर मियारी होते हैं जिनसे इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो है अच्छे ब्रांड और अच्छी जो है क्वालिटी के ही जो सन ब्लॉक हैं इस्तेमाल किए जाएं। अगर आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरी मुख्तलिफ वीडियो के अंदर मैंने अपने मुख्तलिफ किस्म के जो है सन ब्लॉक के बारे में बताया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं और उनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो अपनी स्किन के हिसाब से आप चूज़ करने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इनमें मौजूद कीमियाई अज़ा की तादाद ज़्यादा ना हो। हसन खूबसूरती के लिए माहिरीन के मुताबिक जिल्द की हिफाजती कुदरती मसनूआत से की जा सकती है, वरना ना सिर्फ जिल्द के धब्बों को ख़त्म करती है बल्कि इसे अंदर तक सेहतमंद भी बनाती है। जिल्द के लिए इसके इस्तेमाल से आपकी जो है ऊपर की तह जो है जिल्द की वो भी महफूज रहती है और मुलायम की मकदार भी जो है वो मुनासब रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से आप जो है चेहरे को जो है सूरज की अल्ट्रा वाले शुआओं से भी महफूज रख सकते हैं।
तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने मुख्तलिफ किस्म के जो हैं चीज़ें फेस वाश और सन ब्लॉक के बारे में बताया है कि किस तरह से आप अपनी जिल्द की गर्मियों में हिफाजत कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।